हेलो दोस्तों, आज हम कॉमन एरर पढ़ेंगे। कॉमन एरर से 5 क्वेश्चन शायद एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी रेलवे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इफ आई हैड वॉक्ड फास्ट एनफ ही विल गेट द बस, नो एरर। तो अगर सेंटेंस, एक बात को ध्यान में रखें आप कि सेंटेंस का कोई भी पार्ट्स यदि आपको पास्ट टेंस में दिखे तो बाकी भी पार्ट्स, देखिए ये फर्स्ट पार्ट्स हुआ तो इसमें देखिए यहाँ पे हेड का प्रयोग किया है, आप देख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो बाकी भी जो सेंटेंस हैं, बाकी जो भी पार्ट्स हैं, वह भी पास्ट टेंस में होना। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट एनफ ही विल गेट द बस। यदि वह तेज दौड़ा होता, यदि मतलब यहाँ पास्ट का बोध कराता है। इफ आई वेर ए वर्ड, जैसे आप देख सकते हैं इफ आई वेर ए वर्ड तो क्या होता, आई फ्लाई इन स्काई, नहीं बोलते। अगर मैं बर्ड होता तो आसमान में उड़ता, नहीं तो ये अगर वेयर तो ये जो है फुलफिल नहीं करता, अनविजिबल है। ओके, तो इसमें हम आप देख सकते हैं उसी तरह यहाँ पे भी अगर कोई भी पार्ट पास्ट टेंस में हुआ तो बाकी भी किसमें होंगे, पास्ट में। तो यहाँ पे उल की जगह उड का प्रयोग होना चाहिए, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ। इसी तरह हम लोग ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम से, ये इस प्रकार बहुत से क्वेश्चन आएंगे, हम आपको बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। दूसरा देखें, आर्टिस्ट एंड राइटर हैव डाइड। यहाँ आर्टिस्ट और राइटर के दोनों एक ही का बोध कर रहा है, क्यों? इसके आगे दे लगा हुआ है, इसके आगे दी नहीं लगा। अगर दी लगाया रहता दिया तो ये दोनों अलग अलग होते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही है। मतलब आर्टिस्ट और राइटर दोनों एक ही पर्सन का बोध कर रहा है। अगर कोई राम है तो वही राम ही है, राइटर भी राम है। तो हैव के जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैज का प्रयोग होना चाहिए था, और हैज के साथ आप जानते हैं भीतरी का प्रयोग होता है। जैसे आपको मैं बोलता हूं राम एंड श्याम, यहाँ एंड का प्रयोग किया है तो इसके दोनों के लिए एंड का हो आर गोइंग उसको, आप देख सकते हैं। मैं आपको यही, मैं आर्टिकल्स का अगर दोनों अलग अलग है, आर्टिकल यहां भी है और यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग हुए, तो दोनों दो सेंटेंस या दोनों दो पर्सन का बोध, दो पर्सन को सेग्रीगेट करता है। चलिए आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड प्लंज ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजेज। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि बिहार की अधिकतर नदियां जो है ओवरफ्लो हो रही है, देयर बैंक्स दोनों किनारे, उसके जो किनारे हैं, और वह बहुत से लार्ज प्लान मतलब ये लार्ज नंबर ऑफ विलेज वह डूब चुके हैं। ओके, तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मोस्ट, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ भी मोस्ट है, ऑफ का प्रयोग हुआ, रिवर है, यहाँ नाउन हुआ, इन है, यहाँ भी बिहार हुआ, और यहाँ हैव लगा है। हैव सही है क्या? हैव की जगह हैज नहीं हो सकता था क्या? आपके माइंड में आएगा कि हैज का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, हैव ही क्यों होगा? आपको मैं बता दूं कि हैव क्यों होगा और ओवरफ्लो भी सही है क्या, देर सही है क्या, वो हम आज बताएंगे आपको कि इस तरह के सेंटेंस में यही क्यों होता है, दूसरा प्रयोग क्यों नहीं हो सकता है। तो आपको हम बता सकते हैं अगर सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब होता है जैसे ऑफ हुआ, इन हुआ, प्लस फिर सब्जेक्ट दिया इस तरह का, फिर प्रीपोजिशन हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर प्रीपोजिशन हो,
तो इस तरह का बहुत सा मिक्स सब्जेक्ट बना हुआ है, एक बहुत लंबा सा। तो इसमें किस सो जो भार्व है किसके अनुसार होगा, तो इसमें हमको याद रखना है जो फर्स्ट है प्रीपोजिशन यहां है, प्रीपोजिशन फर्स्ट के आगे के अनुसार होगा। तो यहां मोस्ट पुलर है, मोस्ट मोर ये सब है, मोस्ट मतलब अधिकतर, अधिकतर का यूज ही होता है पुलर में। तो यहां हैव ही सही होगा, ये करेक्ट हुआ। ओवर फ्लो देखिए यहां पे गलत है, क्यों? फ्लो फ्लो फ्लोड होता है, फ्लो मतलब बहना, फ्लो मतलब बह गया, बह चुका होता है ना। यहां का दोनों रूप दे सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल ये दोनों, ये अलग रूप हुआ। तो यहां ओवर आगे लगा दिया है, तो ओवर इसका रूप फ्लो नहीं होगा। फ्लो का अर्थ अलग होता है, ये अलग रूप हुआ, फ्लाय हुआ। फ्लाय मतलब क्या हुआ? उड़ना, फ्लू, फ्लोन, आप देख सकते हैं फ्लाय। यहां पे उड़ नहीं गया, फ्लाय मतलब क्या हुआ? उड़ना, उड़ गया, उड़ चुका। ये जो है रूप, इस भार्व का जो रूप चेंज होते हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग फ्लाय हुआ, फ्लाय, फ्लो, फ्लाओ, उसी तरह का फ्लो हुआ, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड हुआ ना। ये वो फ्ली होता है, फ्ली मतलब क्या होता है? भाग जाना, नहीं होता फ्ली मतलब रफूल, फ्लेड। ये तीनों रूप याद रखना पड़ेगा आपको, ये कहां पे यूज होता है। नहीं, एक होता है फेल, फेल मतलब क्या होता है? काट कर गिराना, फेल्ड, फेल्ड। ये जो मोस्टली यूज जो होते हैं सेंटेंस, उसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। फील, फेल्ट, फेल्ट। देखिए तीनों का रूप कौन कौन चेंज हो रहा है, किसी का रूप चेंज नहीं होता है। जैसे यहां पास्ट इंडेफिनिट पास्ट पार्टिसिपल, इसका रूप चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, किसी का तीनों रूप चेंज हो जाता है। जैसे हम यहां पे कहां पे पढ़े थे, फ्लाय, फ्लो, नहीं फ्लाय, फ्ली ना। फ्लाय, फ्लू, फ्लोन। ये आगे देखते हैं दोस्तों, आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कहाँ पे गलती हो सकता है? आइदर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आइदर और एक साथ लगता है, नाइदर नोर, ना तो मैं ना तो तुम, आइदर या तो मैं या तुम, ये एक साथ होते हैं, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, ये दोनों अलग अलग है। आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, आप देख सकते हैं। आइदर हो नाइदर हो, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, तो आप देख सकते हैं आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, आर की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पे, इज का प्रयोग होगा। चलिए, द वर्कर्स फेल नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज within 6 hour and thereby saw SHOW saw their efficiency। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी लेबर है, वर्कर है, वह 200 से भी ज्यादा ट्री 6 घंटे में गिरा दिए, काट करके। क्या बोला? तो यहां फेल मतलब क्या हुआ आपको देखना होगा, फेल मतलब क्या होता है। और सो देयर एफिशिएंसी, और अपना एफिशिएंसी का प्रेजेंट किया, एफिशिएंसी दिखाया कि वह 6 घंटे में 200 पेड़ काट सकते हैं, तब
पहले हम लोग देखेंगे कि फैल का रूप क्या होता है, काटना का रूप क्या होता है। यहाँ काटने का अर्थ में दिया है नहीं, तो इसका होता है एफ ई डबल एल फैल। फैल ऊपर भी मैं बताया हूं दोस्त, फैल मतलब हुआ काटना, काट दिया, काटा जा चुका मतलब काट कर गिराना नहीं। तो इसका तीनों रूप देखिए, इसको भी वन बोलते हैं, इसको भी टू बोलते हैं, इसको भी थ्री बोलते हैं नहीं। दूसरा इसमें देख सकते हैं कि फेल कहां पर प्रयोग होते हैं। जैसे हम गिर गए, फाल, फेल, ये भी ऊपर ही हम बताए थे, फेल, फेल, फेल बताया था ना आपको। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपको मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं न्यू हूँ इधर और मैं बैंक में जॉब करता हूँ, तो मैं कई बार पीओ एसएससी में एग्जाम दिया हूँ और मुझे एक्सपीरियंस भी बहुत है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। ओके, चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स, मेरा वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें।